हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे संतुलित समीकरण कैसे की जाती है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार करते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो समीकरण संतुलित करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं। इसमें क्या होता है, दो चीज होती है, एक तो क्रियाकारक और एक उत्पाद। क्रियाकारक को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखते हैं वो होता है क्रियाकारक। इसको हम अभिकारक के नाम से भी जानते हैं। और राइट हैंड साइड पे जो लिखा जाता है वो होता है अपना उत्पाद, उत्पाद या इसको हम प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको क्रियाफल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्रियाकारक को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है और क्रियाफल को राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। इनमें एक चीज कॉमन होती है कि जितना वजन हम क्रियाकारक का लेते हैं उतना ही वजन क्या होता है क्रियाफल का। मतलब अगर केमिस्ट्री के हिसाब से हम बात करें तो जितने एटम्स इधर होंगे क्रियाकारक के अंदर उतने ही एटम्स क्या होते हैं हमें उत्पाद में प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम इस तरफ 10 एटम्स लेते हैं तो इधर भी क्या होंगे, 10 एटम्स ही होंगे। इसको हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं कि दोनों ओर क्या होते हैं, बराबर द्रव्यमान होता है। अब हम समीकरण संतुलित करने से पहले हम क्या होते हैं, एक छोटी सी समीकरण लेते हैं, इसको सीख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं H2 + O2 = H2O। हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं तो पहले हम शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर क्या है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं हम हाइड्रोजन के पास कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के पास कितने एटम्स हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं, जैसे हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 2। दूसरा अपने पास क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2। अब आ जाओ आप राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1। अब यहां पर ये चीज का विशेष ध्यान रखना है, यहां पर जो H2 है ये पूरे ग्रुप के अंदर है, यहां अलग अलग है इस वजह से हमने अलग अलग लिख दिए। यहां पर ये एक ग्रुप के अंदर है इस वजह से हम इनको क्या करेंगे, इनको एक ग्रुप के रूप में शो कर देंगे, भाई ये पूरा एक ग्रुप है। अब हम इनको देखते हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बराबर है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहां ऑक्सीजन कितना है, 1। तो हम इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, और वो 2 कहां पे आएगा, यहां आगे की ओर। अब ये पूरे ग्रुप के लिए होगा, तो ये क्या हो गया, 2 × 4, और इधर क्या हो गया, 2 × 1 = 2। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो हमें क्या करना है, इस हाइड्रोजन को भी हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर दें। यहां जब हमने 2 लगाया तो पूरे ग्रुप के लिए था, इस वजह से पूरी संख्या गुणा, यहां सिर्फ ये अकेला है तो अकेला को गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। तो अब ये जहां जहां हमने लगाया उसको ले, जैसे 2 यहां पर, 2 इस ग्रुप के आगे। अब हमें जो ये समीकरण प्राप्त हुई ये क्या होगी, संतुलित समीकरण। इस प्रकार हम अलग अलग समीकरण को संतुलित करेंगे। आप वीडियो को बीच बीच में क्या करना, पॉज करना और आप खुद करके देखना, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। इस प्रकार आप समीकरण संतुलित करना सीख जाएंगे और बाद में फिर उस समीकरण को मैच करना, ठीक है। हम नेक्स्ट समीकरण लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं, नेक्स्ट समीकरण है अपने पास CH4 + O2 = CO2 + H2O। अब हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं तो इसमें भी वही फॉर्मूला अपनाना है हमें। जैसे इधर कार्बन कितने हैं, 1, कार्बन को अकेला पढ़ा जाता है, जैसे कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, अब इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो हमने ये जो लिखा, क्या ये सही है, नहीं, यहाँ पर क्या है, ये ग्रुप के साथ है तो हम इसको क्या कर देंगे, एक ग्रुप में कर देंगे। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पर, आ जाओ राइट हैंड साइड में कार्बन की संख्या कितनी है, 1, यहाँ पर अकेला दिखा हुआ है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1।
क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ग्रुप में, ये भी ग्रुप में है, तो हम इनको ग्रुप में शो कर देते हैं, ये शो कर दिया। अब हम दोनों ओर मैच करते हैं कि इधर इधर कितने कितने इनके पास परमाणु एटम्स है। कार्बन कितना है? एक। इधर कार्बन कितना है? एक। हाइड्रोजन कितने है? चार। और जबकि इधर हाइड्रोजन कितने हैं? दो। तो हम क्या करेंगे, इसको दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? हाइड्रोजन कितने हो गए? दो दुनी चार। ऑक्सीजन कितना हो गया? दो एकम दो। अब दोबारा मैच करते हैं, कार्बन कितना है? एक। हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन चार। ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन इधर कितने हो गए? चार हो गए। तो हम इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दो दुनी चार हो गए। अब जहां जहां हमने आगे दो लगाया, उस तरीके से जैसे एक दो तो यहाँ लगाया हमने, इस ऑक्सीजन के आगे ये दो लगा दिया, एक दो हमने कहाँ लगाया, इस ग्रुप के आगे, तो ये हमने दो लगा दिया। ठीक, अब हमारे पास जो ये समीकरण प्राप्त हुई, ये क्या होगी, संतुलित समीकरण होगी। चलो नेक्स्ट करते हैं, हम नेक्स्ट समीकरण लेते हैं, जैसे N2+O2 इजकल टू NO। अब इसको हल करते हैं हम, तो इसके लिए हम पहले देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? दो। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? दो। इधर नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन एक, दोनों ओर मैच करते हैं, नाइट्रोजन दो, इधर नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन एक। और अब पहले एक चीज, हाँ इसका जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों क्या है, ग्रुप में है, तो हम इनको ग्रुप के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। अब नाइट्रोजन दो है, तो हम यहाँ पर इसको दो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दो एकम दो, इधर भी दो एकम दो। अब नाइट्रोजन दो, इधर भी दो, ऑक्सीजन दो, इधर भी दो, तो हम यहाँ पर आगे दो लगा देंगे, तो ये हमें क्या प्राप्त हो गई, संतुलित समीकरण। आप वीडियो को बीच बीच में रोक कर और फिर आप खुद संतुलित करके देखना, ताकि उससे आपको पता लगे भाई आपके समझ में आई या नहीं आई। हम नेक्स्ट एक और समीकरण लेते हैं, जैसे Fe+H2O इजकल टू Fe3O4+H2। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद इस समीकरण को संतुलित कीजिए, फिर उसके बाद अगर नहीं आए तो जो संतुलित मैं करता हूं, तो उससे आप इसको मैच कर सकते हो। हम शुरुआत करते हैं, जैसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फेरस, Fe। फेरस ये कितना है इधर? एक। दूसरा हाइड्रोजन परमाणु कितना है? दो। ऑक्सीजन परमाणु कितना है? एक। अब इधर आ जाओ राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड फेरस कितना है? तीन। ऑक्सीजन कितना है? चार। हाइड्रोजन कितना है? दो। क्या ये सही है? नहीं, यह सही नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर ये दोनों किसमें? ग्रुप में, और इधर ये दोनों किसमें? ग्रुप में। ठीक, अब हम इसको संतुलित करते हैं, तो देखिए इधर फेरस कितना है? एक। और इधर फेरस कितना है? तीन। ये सिंगल है, तो हम इसको क्या करते हैं, तीन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो तीन एकम तीन, तो फेरस भी कितना हो गया? तीन हो गया। अब इधर देखो ऑक्सीजन कितना है? चार। जबकि इधर ऑक्सीजन कितना है? सिर्फ एक है, तो हम इसको क्या करते हैं, चार से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाइड्रोजन भी देखना, चार दुनी आठ, तो यह आठ हो गया, और इधर ये चार एकम चार हो गया। अब इधर देखो फेरस तीन, फेरस तीन, ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार, हाइड्रोजन आठ, और इधर हाइड्रोजन कितने? दो। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको भी चार से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि चार दुनी कितने हो जाएंगे? आठ हो जाएंगे। अब यहां पर जैसे हमने यहां पर तीन लगाया, यहां तीन लगा दो, यहां दूसरे वाले में हमने कितना लगाया? चार, तो यहां चार, और यहाँ हाइड्रोजन के आगे कितना लगाया? चार, तो यहाँ भी चार। अब ये आपकी समीकरण क्या होगी, संतुलित समीकरण होगी।
ऐसे ही एक लास्ट एक और समीकरण हम करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाए। चलिए अब ये समीकरण हम संतुलित करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले आप संतुलित करना, फिर जो मैं संतुलित करता हूँ फिर आप उसको देख लेना, ठीक है? तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। जैसे पहले हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम कितना है भाई? एक। क्लोरीन कितना है? दो। अब हम आगे लिखते हैं इसमें क्या है? जैसे एल्यूमिनियम कितना है? एल्यूमिनियम दो। और सल्फर कितना है? सल्फर एक। एक। ऑक्सीजन कितना है? चार। तो ऑक्सीजन यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सल्फर ये कोष्टक के बाहर तीन लग रहा है, तो ये सल्फर के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो यहाँ पर सल्फर कितना होगा? तीन। और ऑक्सीजन कितना होगा? बारह। अब हम इसमें एक चीज क्या करेंगे, इनके ग्रुप में सेट कर देंगे। जैसे ये एक ग्रुप में और ये पूरा एक ग्रुप में। अब इधर राइट हैंड साइड पे आ जाओ, राइट हैंड साइड। इधर एल्यूमिनियम कितना है? एल्यूमिनियम एक। क्लोरीन कितना है? क्लोरीन तीन है। और बेरिलियम कितना है इसमें? एक। सल्फर कितना है? एक। और ऑक्सीजन चार। इनको अपने अपने ग्रुप में सेट कर देते हैं। अब हम इन दोनों में मैच करते हैं कि इधर कितने कितने। बेरियम कितना है? एक। इधर बेरियम एक। क्लोरीन कितना है? दो। इधर क्लोरीन कितने हैं? तीन। एल्यूमिनियम कितना है? दो। इधर एल्यूमिनियम एक। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं, ऐसे इसको दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर कितना हो गया? दो। और इधर ये कितना हो गया? छः। अब क्लोरीन कितना है इधर? छः। और जबकि इधर क्लोरीन कितना है? दो। तो इसको भी हम क्या करेंगे? तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीन एकम तीन और इधर तीन दुनी छः। अब बेरियम यहाँ पर कितने हैं? तीन। जबकि बेरियम यहाँ कितने हैं? केवल एक है। तो हम इसको भी क्या करेंगे? तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीन एकम तीन, तीन एकम तीन और तीन से बारह। अब हम इसको शुरू से मैच करते हैं। बेरियम कितने हैं? तीन। इधर बेरियम भी कितने हैं? तीन। क्लोरीन सिक्स, क्लोरीन सिक्स। एल्यूमिनियम टू, एल्यूमिनियम टू। सल्फर थ्री, सल्फर थ्री। ऑक्सीजन 12 और इधर भी ऑक्सीजन 12। अब ये जो जो हमने जहां जहां लगाया उस हिसाब से सेट कर देते। जैसे आगे आगे तीन है, दूसरे कॉलम में आगे दो है, तीसरे में तीन है। तो अब आपके पास जो समीकरण प्राप्त होगी क्या होगी? संतुलित समीकरण होगी। तो ये थी हमारी संतुलित समीकरण। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारी और भी इसी तरह